हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के जो हम सीखने वाले टैक्सेशन, और टैक्सेशन का मैं एक चैप्टर लेने आ रहा हूँ। चैप्टर नंबर है 4 और चैप्टर का नाम है कर भरवानो रहठानो दर्जो रेसिडेंटियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। तो इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो, तो आगे भी और वीडियो अपलोड होगी चैप्टर रिलेटेड। तो आज का हम सीखने वाले, तो पहले बता दूं रहठान का दर्जा क्या होता है। मतलब यहाँ पे इस चैप्टर को ये पता करना है कि जो भी टैक्स भरने वाला व्यक्ति है वो इंडिया का, भारत का किस तरह का रहवासी माना जाएगा। तो उसके लिए बहुत सारे कंडीशन दिए गए। तो अब पहले में इस चैप्टर के जो कंडीशन, जो रूल्स है बार रहठान के लिए, तो पहले वो हम एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे। तो कंडीशन क्या है, तो देखिएगा, तो पूरे चैप्टर में आपको दो ही चीज पता करनी रहती है कि जो टैक्स भर रहा है, जो कर भरने वाला व्यक्ति है, वो रईस होगा, बार रईस होगा या तो बिन रईस होगा, बार रईस बन जाएगा या तो बिन रईस बन जाएगा। लेकिन अगर रईस बनता है तो एक और कंडीशन अप्लाई करनी रहेगी कि वो किस तरह का रईस है, वो सामान्य रईस है या नहीं है। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में याद रखिए दो ही है, एक तो रईस पता करना रहेगा, रईस है तो भी सामान्य रईस है या नहीं। तो कंडीशन क्या है तो पढ़ लेते हैं। तो रईस के लिए कंडीशन दो दी गई है, एक कंडीशन और साथ में दो। अगर दोनों में से कोई एक भी फुलफिल हो जाती है ना तो रईस बन जाएगा, लेकिन अगर दोनों में से कोई भी फुलफिल ना हो, दोनों अगर ना हो रही है तो वो डायरेक्ट बिन रईस बन जाएगा। कंडीशन क्या है, तो देखिए लिखा गया पिछला वर्ष में, हमेशा पिछले वर्ष की गणना करनी रहेगी, उसमें 182 दिवस, हमको पिछले वर्ष में 182 दिवस या उससे ज्यादा देखना है। अगर 182 से ज्यादा रहता है तो रईस बन जाएगा। अगर समझो ये ना हुआ तो एक और ऑप्शन दिया गया है कि हम ये चेक कर सकते हैं कि पिछला वर्ष में 60 दिवस और उसके अगाव ना, मतलब पिछले वर्ष को छोड़कर उसके आगे के 4 वर्ष में 365 दिन रहना चाहिए। ये कंडीशन ऐसी है कि पिछला वर्ष में 60 दिवस और उसके अगाव के 4 वर्ष में 365 दिवस रहना चाहिए तो क्या बन जाएगा, रईस। दोनों में से कोई एक फुलफिल तो होनी चाहिए तो रईस कहलाएगा। बट ऐसा हो कि दोनों फुलफिल नहीं हो रही, दोनों में ना आ रहा है तो क्या करना चाहिए, डायरेक्ट क्या बन जाता है, बिन रईस बन जाता है। तो ये पे सब कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर रईस बन जाता है, अगर हाँ हुआ, तो एक और कंडीशन अप्लाई करेंगे, वो कंडीशन होगी सामान्य रईस के लिए कि वो व्यक्ति रईस तो है लेकिन सामान्य रईस है या नहीं। तो उसके लिए एक कंडीशन अप्लाई करनी है कि पिछला वर्ष ना अगाव ना, मतलब पिछले वर्ष को छोड़कर 7 वर्ष, या 7 वर्ष चेक करने, और 7 वर्ष में कितने दिवस देखने हमको, 730 दिवस। अगर 7 वर्ष में 730 दिवस रहता है तो क्या बन जाएगा, सामान्य रईस बन जाएगा। लेकिन अगर ये फुलफिल नहीं हुआ, ना हुआ, तो आंसर क्या होता है, रईस तो पहले से था ही, राइट, रईस होगा परंतु सामान्य रईस नहीं होगा। इतना सिंपल सा है। तो अब समझ सकते हैं और बेटर ढंग से समझेंगे, और वीडियो समझ में आए तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने ग्रुप और फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे हम जल्दी से जल्दी 1K फैमिली कंप्लीट हो सके। तो देखिए सम्स में जो सिखाने वाला वो लेते हैं, सम्स नंबर स्टार्टिंग का ले लेते हैं 18। सम्स नंबर 18 है जो 2009 में पूछा गया है गुजरात यूनिवर्सिटी में, नाम है श्रीमान कक्कड़। ओके, तो पहले सम्स को रीड कर लेते हैं। क्या लिखा गया है, अमेरिका थी भारत में सर्वप्रथम बार आवे, मतलब अमेरिका से पहली बार भारत में आया था, उसके बाद भारत में नीचे मुझे रहे थे, बाकी जितने साल वो रहा है तो नीचे बताया गया है, तो रहठानो दर्जो नक्की करो। ओके, और आकरणी वर्ष दिया गया 14 पढ़ना। आकरणी वर्ष मतलब होता है कि जो करंट है, जो चालू वर्ष होगा वो, पर हमको चालू वर्ष की गणना नहीं करने की होती, हमेशा पिछला वर्ष की गणना करनी होती। कौन कौन से वर्ष का रहवासी दिया, 2009-10 का दिया 70 दिवस रहा है वो, 10-11 में 130 दिवस है, 11-12 में 120 दिवस, 12-13 में 100 दिवस और 13-14 में 90 दिवस, ये उसके साल के दिवस है। अब हमको पता करना है उसका रहठान का दर्जा, कि वो रईस है या बिन रईस है, सामान्य रईस है। तो ये देखिएगा कैसे होगा, कंडीशन कैसे अप्लाई की जाती है। तो सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 अप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1 क्या था कि पिछला वर्ष में 182 दिवस के तेथी वधु, राइट। तो देखिए पांचवा वर्ष, देखिए सवाल में हमको आकरणी वर्ष दिया हुआ है। ओके, आकरणी वर्ष दिया 14-15, तो ऑटोमेटिक पांचवा वर्ष जो है 14-15 के पीछे चले जाना तो 2013-14 बन जाएगा। तो याद रखिए पांचवा वर्ष इस साल में क्या होगा, 13-14। तो यहाँ पांचवे वर्ष के अंदर चेक करना है कि वो 182 दिवस रहता है या नहीं रहता है। तो पांचवा वर्ष की जानकारी दी हुई है, जो 13-14 यहाँ पर कितने दिवस रहा है, वो 90 दिन रहा है। तो पिछला वर्ष में उसकी 90 दिन की हाजिरी है, 90 दिन रहा है। अब हमारी कंडीशन तो क्या है, 182 दिवस की, तो ये फुलफिल नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, ना हो रहा है।
अभी ना हो रहा है तो ये कंडीशन तो अप्लाई नहीं हुई। तो एक और ऑप्शन दिया गया है रईस के लिए, एक और ऑप्शन दिया गया अभी कि पांचवा वर्ष में 60 दिवस होना चाहिए और साथ साथ में उसके अगाऊ के 4 वर्ष में 365। तो अब ये कंडीशन अप्लाई करके देख लेते हैं रईस के लिए। तो अथवा में एक और कंडीशन है हमारे पास, अगर ये फुलफिल हो जाती है तो कंडीशन नहीं अप्लाई करते, लेकिन फुलफिल नहीं हुआ है इसलिए कंडीशन अप्लाई कर रहे कि पांचवा वर्ष में 60 दिवस, ओके, अने अगाऊ ना, अगाऊ मतलब पांचवे वर्ष को छोड़कर अगाऊ ना 4 वर्ष में 365 दिवस। देखते तो पांचवा वर्ष में ऑलरेडी वो हमको पता 90 दिवस रहता है, ओके, तो बता दिया है। उसके अगाऊ के 4 वर्ष को चेक करते तो उसके अगाऊ 13-14 को छोड़ देते, 12-13, 11-12, 10-11, 9-10, 70-130, 120 और 100, तो चारों को प्लस कर देना है तो टोटल दिवस हो जाएंगे 420 दिवस होने वाले हैं, ओके। तो अगाऊ के 4 वर्ष में वो 420 दिवस रहता है। अब चेक करते देखो, 5 वर्ष में 60 चाहिए तो 90, ये भी यस हुआ, और 4 वर्ष में 365 चाहिए, कितना हो रहा है 420, तो ये कंडीशन अप्लाई हुई, हाँ हो गया, मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा हमारा, रईस बन चुका है। आंसर के लिए वो रईस तो बन चुका है, रईस बना है तो हम चेक करेंगे आगे कि वो सामान्य रईस है या नहीं, तो एक और कंडीशन अप्लाई करेंगे, सामान्य रईस की कंडीशन अप्लाई करेंगे, ओके। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये कंडीशन भी ना हो जाती, ये भी ना तो थी और ये भी ना हो जाती, डायरेक्ट क्या बन जाता, वो बिन रईस बन जाता और आगे सम्स करना ही नहीं होता, लेकिन रईस बनता है तो सामान्य रईस बना या नहीं उसके लिए चेक करने के लिए कंडीशन क्या है कि पांचवा वर्ष ना अगाऊ ना पिछले वर्ष को छोड़कर 7 वर्ष में 730 दिवस होने चाहिए, ओके। तो देखते हैं ये कंडीशन भी अप्लाई करेंगे हम सेकंड वाली कि पांचवा वर्ष अगाऊ ना 7 वर्ष में 730 दिवस, ओके। तो पिछले वर्ष को छोड़ देते और बाकी वर्ष की डिटेल देखते हैं, तो पिछला वर्ष 13-14 को छोड़ के 1-2-3-4 वर्ष की जानकारी दी है, तो जो नहीं 7 वर्ष की हो तो 4 को चेक करेंगे, तो 4 वर्ष की जो टोटल हमने मारा तो कितना आ रहा था, 420 दिवस ही आ रहा था, तो वही यहाँ पे आंसर इसका आएगा 420 दिवस। तो ये फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि 730 दिवस कहाँ गया जबकि कितने दिन रह रहा है 420, तो ये कंडीशन क्या होगी, ना होगी। अब ये ना हुई है तो क्या आंसर होना चाहिए कि वो रईस तो है परंतु सामान्य रईस न थी, लेकिन अगर हाँ होता ना तो क्या बन जाता, सामान्य रईस बन जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा रईस परंतु सामान्य रईस न थी, ये उसका फाइनल आंसर होगा। और ऐसे कंडीशन में अप्लाई करनी, ये सम्स हो गया हमारा सॉल्व। तो एक और सम्स सॉल्व करते हैं हम, ओके, जिससे बेटर ढंग से समझ सके, वीडियो समझ में आ रहा तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो एक और सम्स लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ओके, नाम है अभिनव, तो रीड करते पहले, अभिनव अमेरिका थी भारत में सर्वप्रथम बार आयो, पहली बार आया अमेरिका से, पची थी भारत में नीचे मुझे रहे थे, यहाँ भी आकर निवास क्या है 14 बन रहा। अगर आपकी न्यू बुक होगी तो उसमें आकर निवास जरूर 18-19 होगा, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो तेमने रहठानो दर्जो नक्की करो, तो यहाँ पर 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14 के सब दिवस दिए हुए, तो सेम कंडीशन और सेम सम्स सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22, कंडीशन नंबर 1 अप्लाई करेंगे तो वही पांचवा वर्ष में कितने दिवस देखना है हमको, 182 दिवस देखना है, राइट। अब पांचवा वर्ष क्या होगा, तो यहाँ पर आकर्णी वर्ष दिया हुआ है, आकर्णी वर्ष दिया है 14-15, तो पांचवा वर्ष होगा 13-14, तो पांचवे वर्ष में कितने दिवस चेक करने हमको, 182। तो सम्स में देखिए 13-14 दिया हुआ है और 13-14 में कितने दिन रहा है, 95 दिवस रहा है वो, 95, तो ये फुलफिल तो नहीं हो रही ना, तो कोई बात नहीं। एक ऑप्शन और दिया गया चेक करने के लिए कि पांचवा वर्ष में 60 दिवस होना चाहिए, ओके, और उसके अगाऊ के 4 वर्ष में 365 दिवस होने चाहिए। अब ये कंडीशन भी देख लेते हैं, तो पांचवा वर्ष में तो ऑलरेडी 95 दिवस दिए गए, राइट ना, और उसके अगाऊ के 4 वर्ष को चेक कर लेते हैं, तो पांचवे वर्ष को छोड़ दो, 13-14 को छोड़ दो, उसके अलावा 1-2-3-4, तो 140, 160, 100 और 75, इन चारों को जोड़ोगे तो 475 दिवस हो रहा है। अब देखते ये फुलफिल हो रहा है, पांचवा वर्ष में 60 चाहिए था, 95 फुलफिल हो गया, 4 साल में 365 चाहिए, 475 ये फुलफिल हो गए, तो ये क्या हो गया, हाँ हो गया। अब दोनों में से ये कंडीशन एक तो हाँ हो गई तो ऑटोमेटिक आंसर रईस तो बन चुका है। अब रईस बना है तो दूसरी कंडीशन भी अप्लाई करनी है हमको, ये सामान्य रईस है या नहीं, तो वो कंडीशन क्या है कि पांचवा वर्ष ना अगाऊ ना 7 वर्ष में कितना दिवस चाहिए, 730 दिवस चाहिए, ओके। तो देख लेते हैं,
तो उसके अगाव के, तो पांचवे वर्ष 13-14 छोड़ देते हैं, उसके अगाव 1, 2, 3, 4 ही वर्ष दिए, 7 नहीं दिए क्योंकि पहली बार याद है, तो कोई बात नहीं, चारों वर्ष के दिए उसको हम जोड़ देंगे, तो ये भी अगेन 475 ही होगा, राइट। तो ये फुलफिल नहीं हो रही क्योंकि 730 दिवस से तो फुलफिल नहीं हो रही है, तो आंसर क्या होगा, रईस है, परंतु क्या होगा वो सामान्य रईस नहीं, फुलफिल हो जाता तो सामान्य रईस बन जाता, ये हो गया सम सॉल्व। तो ऐसे हमको सॉल्व करना है, तो इस चैप्टर रिलेटेड और वीडियो भी अपलोड होने वाले हैं, तो वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।